स्कूल में पढ़ने के लिए जहां हर रोज छात्र खुशी खुशी आते थे, वहीं अब स्कूल की चौखट तक पहुंचने पर सहम जाते हैं। हम बात कर रहे हैं शिमला के टूटी कड़ी वार्ड के हीरानगर में स्थित राजकीय माध्यमिक पाठशाला की। यहां रोजाना स्कूल में पढ़ने जा रहे छात्रों में डर बना हुआ है, क्योंकि पाठशाला के पास शमशान घाट का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर स्कूल के छात्रों का कहना है कि जब ये शमशान घाट बनकर तैयार हो जाएगा तो शवों का धुआं सीधा उनके स्कूल में आएगा। वहीं छात्रों के परिजनों और स्कूल के अध्यापकों का कहना है कि ये क्षेत्र चारों ओर से चीड़ के जंगल से घिरा है, कभी भी आगजनी की घटना घट सकती है, जिससे स्कूल का काफी नुकसान भी हो सकता है। मैं घोड़ा चौकी से आता हूँ। अच्छा, क्या क्यों आप लोग यहाँ पर डरे हैं, क्यों सहमे हैं, क्या क्या हो रहा है आपके स्कूल के आसपास? जब हम घर से आते हैं स्कूल की तरफ ना, तो यहाँ से जो नीचे हम देखते हैं, फिर यहाँ पे नीचे स्कूल की करीब 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पे शमशान घाट बन रहा है। पहले हमें पता नहीं था क्या बनता है ये, जैसे हमारा स्कूल का कोई फ्री टाइम होता है फिर हम स्कूल की टेरेस से भी साफ दिखता है, फिर यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ही पढ़ते हैं, हमारे को डर लगता है कि क्या बन रहा है ये। फिर अगर यहाँ पे नीचे लाशें जलाई जाएगी कभी, तो फिर जो धुआँ आएगा सारा वो सीधे स्कूल की तरफ आएगा, और अगर धुआँ आएगा तो फिर यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी हो सकती है बच्चों की तरफ, अगर इससे जंगल को भी और स्कूल को भी खतरा हो सकता है। जो हमें यहाँ पे जो हमारे स्कूल के जो नज़दीक है काफ़ी, ये जो मोक्ष धाम जो बना है, तो हमें इससे थोड़ी सी आपत्ति है, क्योंकि अब हमारे बच्चों पे काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है इसके लिए, जैसे बाद में स्वास्थ्य के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। 3 से 14 साल के बच्चे जो हमारे यहाँ पे स्कूल पे आते हैं तो उनको समझाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। छोटे बच्चे जो है उनको तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है हमें समझाने में, तो जो बड़े बच्चे तो वो तो फिर भी समझ जाते हैं, पर ये कि काफ़ी स्कूल के नज़दीक है तो इससे तो हमें काफ़ी वो आ रहा है, तो हम इस चीज़ को चाहते हैं कि इसको कहीं और जगह शिफ्ट करें। सर, यहाँ बच्चों के लिए ठीक नहीं है सर, रुपये से ये चीड़ का एरिया है, पत्थर पत्थर टकराना से भी आग लग जाते हैं सर, वो चिंगारी फेंकेगा तो ज़्यादा आग लग जाएगी। ऊपर से सर हमारे छोटे बच्चे हैं, यहाँ हम ड्यूटी करते हैं तो ड्यूटी से टाइम पर हम बच्चे को रिसीव नहीं कर पाते, बच्चे अकेले आते जाते हैं सर, क्योंकि हम भी ड्यूटी पर कभी रात हो जाता है कभी सुबह हो जाता है, तो हम बच्चे रिसीव नहीं कर पाते, इस कारण से ये शमशान घाट कहीं मतलब और जगह शिफ्ट कर देने से बहुत बढ़िया रहेगा, या तो शिफ्ट नहीं होगा सर, या तो हम बच्चे फिर नहीं भेजेंगे। बाकी आने वाले हमारे जितना बच्चों के साथ में सबको मना कर देंगे सर बच्चे। वही इस मामले में वार्ड की पार्षद और उप महापौर का कहना है कि इस क्षेत्र में जो शमशान घाट का निर्माण किया जा रहा है वो स्थानीय लोगों की मांग के आधार पर किया जा रहा है, वही कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है। मामला अभी न्यायालय में है, अगर इसको हटाने के आदेश दिए जाते हैं तो इसको यहाँ से हटवा दिया जाएगा। देखिए, इन्होंने कोर्ट में भी केस कर रखा है, तो कोर्ट का फैसले की हम इंतज़ार करते हैं, जो कोर्ट फैसला करेगी वो सबको मान्य होगा, और अगर कोर्ट फैसला करेगी कि वहाँ से उठा दें तो फिर हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, और अगर कोर्ट भी इस बारे में कोई वो नहीं लेती है तो फिर हम उसको शिफ्ट नहीं करेंगे। आपको बता दें कि स्कूल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर बन रहे शमशान घाट से जहां छात्रों में डर का माहौल बना हुआ है, वहीं परिजनों और अध्यापकों ने भी इसका विरोध जताया है। भारी जंगलों के बीच शमशान घाट के निर्माण से जंगल और स्कूल को नुकसान भी पहुंच सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।